वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब सीकर स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ICSIL के थ्रू जो वैकेंसी नोटिफिकेशन अपडेट आया है मीटर रीडिंग का। सो दोस्तों उसके बारे में फॉर्म किस तरह से अप्लाई करें हैं, तो दोस्तों आपको जो है उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए खैर। चलिए दोस्तों बिना देरी के जो है हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से जो है फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, आप जो है ICSIL.in क्लिक करके आप जो है क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों आपको कैरियर्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये कैरियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा करियर्स वाले ऑप्शन पे करंट जॉब, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों आपको। उसी के जस्ट नीचे अगर जो आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मिलेगा साइन अप ऑप्शन, तो दोस्तों इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है जो मतलब फ्रेशर है, जो पहली बार फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए है ये। दोस्तों उनको जो है यहाँ पे आधार कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे नाम डालना है, जो भी उनका नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे DOB। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहेगा कि आधार कार्ड से ही, अगर मान लीजिए मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो दोस्तों आपको आधार कार्ड ही यहाँ पे नाम डालना है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम नहीं डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको DOB भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालनी है और दोस्तों आधार कार्ड यहाँ पे नंबर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे आप email ID, यहाँ पे जो है email ID मांग रखा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप email ID आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले मतलब ये सब फिलअप कर देंगे तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको जो है ये वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके पास मेल मैसेज पहुंच जाएगा वेरीफाई के लिए, एक OTP जाएगा। तो दोस्तों आपको जो वेरीफाई करना है और जो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वो डालिएगा दोस्तों जो कि आपको मेल मैसेज के थ्रू मिल जाए आपको इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों उसके बाद जो है आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको साइन अप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन अप ऑलरेडी, जैसे कि हमारे पास था। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जो नए बंदे हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट वाला। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है और दोस्तों उनको जो है किस तरह से लॉगिन करना है वो सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जान पा रहे होंगे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है आपको अपनी email ID डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड डालना है। अब दोस्तों जो मतलब भूल गए हैं पासवर्ड, तो दोस्तों उनको जो है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे QR कोड डाल देना है, यानी कैप्चर कोड। अब दोस्तों उसके बाद जो है सिंपल सा हम जैसे कि अभी आपके सामने सिंपल लॉगिन करके दिखा देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको जो है यहाँ पे दिखा देते हैं अब दोस्तों हमने जो है यहाँ पे सिंपल सा साइन अप ऑप्शन कर दिया है। अब दोस्तों जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये मैसेज आया हुआ है मुझे ICSIL के थ्रू। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद जो है आपको मैसेज शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं सिंपल सा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे कि हमने पहले अप्लाई किया था यहाँ पे MTS के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं MTS की पोस्ट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जॉब ID जो था 32 था, जिसमें जो है हमारे पास मेल आ चुका है। अब दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे इनवाइट किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि यहाँ पे जो है 18/1/2023 को था और दोस्तों मैं नहीं जा पाया किसी कारणवश। तो दोस्तों उसके बाद जो है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपसे, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, इसी वजह से जो है मतलब मैं जॉब के रिगार्डिंग बस फॉर्म अप्लाई करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपको जो ऑप्शन मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों बहुत ऑथेंटिक जानकारी है, ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। आपको जो है यहाँ पे है वो किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके सामने अप्लाई जॉब वाला ऑप्शन जो देखने के लिए मिल रहा है
फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे एप्लीकेबल जॉब पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपने ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आपको अप्लाई ऑप्शन शो हो जाएगा और आप अपना मैनेज प्रोफाइल में भी जा करके चेंज कर सकते हैं क्वालिफिकेशन को। अगर आपने टेंथ कर रखा है तो ट्वेल्थ कर लीजिएगा, अगर आपने ट्वेल्थ कर रखा है तो तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ है अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों उसके बारे में भी आपको मैं कल भर के फॉर्म दिखा दूंगा, 11 बजे आप अपना रेडी रहना, मैं उसके बाद जो है आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुरंत आप देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ है, अब दोस्तों ये फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है और दोस्तों इस तरह से जो है आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक जानकारी और दे दूँ आपके अकॉर्डिंग, जिससे कि पेमेंट स्टेटस। दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं है। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मीटर रीडिंग के लिए अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों उसमें जो है आपको वीकली की छुट्टी मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सप्ताह में 7 दिन काम करना है, नहीं, वीकली आपका छुट्टी रहेगा। और दोस्तों उसके बाद जो है आपको बता दूं सैलरी पैकेज भी आपके सामने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, 20,000 समथिंग आपकी जो है सैलरी पैकेज रखा हुआ है। हेल्पफुल अगर जरा सा वीडियो लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे।